अहम खबर यह है कि वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि कुछ वुज़रा के कलमदान तब्दील होंगे, नए वुज़रा का नाम भी काबीना में शामिल होने का इम्कान है, ऐसा ज़राए बता रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वुज़रा की कारकर्दगी पर तब्दीली का फैसला करेंगे। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज अहमद, क्या अपडेट्स हैं, ज़राए क्या बता रहे हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया था कि हर 3 माह के बाद जो है वफाकी काबीना की कारकर्दगी देखकर उनको बरकरार रखने के तब्दीली का फैसला किया जाएगा। अक्टूबर में ये हमारे ज़राए चाह रहे हैं कि होना था, लेकिन आज़ादी मार्च के बाद इसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान, अब चूंकि आज़ादी मार्च खत्म हो चुका है और धरना इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं, तो अब ज़राए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर गौर शुरू कर दिया है। हमारे ज़राए ने बताया कि नए नौजवान चेहरे जो है काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान रवां माह यानी कि नवंबर में ही तमाम वफाकी वुज़रा मुआवनीन और जो मुशीरों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और कारकर्दगी रिपोर्ट पर जो है वो फैसले किए जाएंगे। ज़राए ने हमें ये बताया है कि तहरीक इंसाफ के अलावा इत्तेहादियों से भी जो है वो लोग जो है वो काबीना में शामिल होंगे। रवां माह ये फैसला जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी रहनुमा जो है उन्होंने भी जो है वो लॉबिंग शुरू कर दी है। और वज़ीरे चूंकि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है, तो उसमें ज़राए कहें तो इस बात पर डिस्कशन होगी और आइंदा 1 से 2 हफ्ते बहुत अहम है। वज़ीरे आज़म इमरान खान जो है वो हतमी फैसला करेंगे। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कुछ वज़ीरे ऐसे भी हैं जिनके कलमदान से वापस लिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।